आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम एक फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटरमिन किया, यानी कि मिलिकन्स के एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता चला। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चला। उसके बाद हमें चार्ज टू मास रेशो भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली। इसके अलावा मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ऑयल ड्रॉपलेट इस्तेमाल किए थे, अभी हम ये भी वजह पढ़ेंगे कि ये ऑयल ड्रॉपलेट इसने इस्तेमाल किए क्यों थे, लेकिन जो ऑयल ड्रॉपलेट्स इसने इस्तेमाल किए अपने इस एक्सपेरिमेंट में, इस मेथड में, उनका मास भी हमें इसने डिटरमिन करना सिखाया, यानी कि मास ऑफ ड्रॉपलेट भी बताया, ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा हमें रेडियस भी बताया, क्योंकि वो ड्रॉपलेट हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ सफ़ेद की टाइप उनकी शेप होगी, तो उनका जो है वो रेडियस भी हमें मिलिकन्स ने बताया। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स भी हमें मिलिकन्स ने बताया, ड्रॉपलेट्स। अब ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, तभी हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस मेथड के बारे में समझ आएगा। मिलिकन्स ने क्या किया, मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने मेथड के दौरान जो है एक चैम्बर इस्तेमाल किया। इस चैम्बर के अंदर इसने दो प्लेट्स रखी, उन दोनों प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया ताकि उनके ऊपर एक पोटेंशियल आ जाए, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाए। इसके अलावा जो है मिलिकन्स ने एक एटमाइज़र इस्तेमाल किया जिसके थ्रू जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट इस चैम्बर के अंदर उसने एंटर किए। ऊपर वाली प्लेट के यहाँ पर छोटा सा एक होल था, वो होल इसलिए रखा गया ताकि ये जो एटमाइजर से हमारे पास यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आए हैं वो वन बाय वन इस होल के ज़रिए इसके अंदर दाखिल हो सके, इस चैम्बर के अंदर इस प्लेस पर आ सके इस होल के थ्रू। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने जो है, हमने नहीं बल्कि मिलिकन्स ने एक एक्सरे सोर्स भी इस्तेमाल किया, एक्सरे सोर्स भी इस्तेमाल किया था, एक्सरे सोर्स, और इसके अलावा एक टेलीस्कोप भी इस्तेमाल किया ताकि इन ड्रॉपलेट्स की हरकत को, मूवमेंट को देखा जा सके। तो ये इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन थी। अब मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑपरेटर सेट किया था वो ऑपरेटर कुछ इस तरीके का था कि ये एक चैम्बर था, इसके अंदर यहाँ पर ये टेलीस्कोप है, ये एक्सरे सोर्स है, और इस एक्सरे सोर्स के थ्रू उसने यहाँ पर मौजूद जो चार्ज हैं वो चार्ज डिटरमिन करके बताया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। ये चार्ज उसने डिटरमिन किया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इस तरीके से है, और इस चार्ज को उसने इस ऑयल ड्रॉपलेट की मदद से किस तरह से निकाला, अब हम उसे देखते हैं। ये एक एटमाइज़र यूज़ किया गया था, इस एटमाइज़र के थ्रू जो है यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट फेंके गए थे, और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इस सुराख के ज़रिए, इस होल के ज़रिए वन बाय वन इस चैम्बर के अंदर एंटर हो रहे थे। यहाँ पर तीन तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक इन ड्रॉपलेट्स पे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरी जो है विस्कस ड्रैग फोर्स। यहाँ पर एक माइक्रोमीटर आईपीस इस्तेमाल किया गया, एक टेलीस्कोप इस्तेमाल की गई ताकि इन ड्रॉपलेट्स की जो मूवमेंट है उसे ईजीली ऑब्जर्व किया जा सके, उसे देखा जा सके, इन ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को इस तरीके से देखा जा सके। एक एक्सरे सोर्स इस्तेमाल किया गया था जिसने एक्सरे प्रोड्यूस किया। जो एक्सरे हम लोग, जो मिलिकन्स ने इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की, उस एक्सरे सोर्स को इस्तेमाल करने का पर्पस ये था कि इस चैम्बर के अंदर जो गैस मौजूद है उसे आयनाइज कर दिया जाए। जब किसी गैस को आयनाइज किया जाता है तो वो फिर गैस जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसमें आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि गैस जो है वो आयनाइज हो गई है, इसमें आयंस बन चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरे सोर्स को इस्तेमाल किया ताकि गैस को आयनाइज किया जा सके। गैस को आयनाइज इसलिए किया कि जब गैस आयनाइज हो जाएगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो यहाँ से इस होल के थ्रू यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आएंगे, जैसे ही वो इस आयनाइज की गई गैस में से
गैस में से पास करेंगे तो जाहिर सी बात है इस गैस के पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो ड्रॉपलेट्स के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे ही गैस आयनाइज हो गई, अब इस गैस को आयनाइज कर दिया गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट इसके ऊपर आ रहे हैं तो जैसे ही हमारे ऑयल ड्रॉपलेट इन चार्जेस के ऊपर गिरते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। अब इनमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो एक वोल्टेज इस्तेमाल किया गया है, जिस वोल्टेज के थ्रू हम लोगों ने इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल और इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, उसे हम लोगों ने एक वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल आ जाए और जो ड्रॉपलेट्स इस चैम्बर के अंदर गिर रही हैं, इस प्लेट्स के थ्रू गिर रहे हैं, उनके गिरने की जो है उनकी जो उन्हें कह सकते हैं आप उनके गिरने के या उनके हरकत करने का जो इन्हिसार है वो डिपेंड करता है आपके वोल्टमीटर पे। आप अपने वोल्टमीटर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से इस वोल्टमीटर के ज़रिए आप इनके हरकत को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो एक चार्ज आ जाता है वो एन टाइम ई आ जाता है, यानी कि हर ड्रॉपलेट के ऊपर एन टाइम ई जो है चार्ज आ जाता है। एन टाइम ई का मतलब ये है कि कोई भी एक इंटीग्रल मल्टीपल है विद अ कांस्टेंट नंबर, ई जो है कांस्टेंट है और इसे ही मिलिकन ने डिटरमिन किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब इसे दोबारा से, एक एनिमेशन को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, उसके बाद हम इस जो एक्सपेरिमेंट है, इस मेथड है, इसे मैथमेटिकली देखते हैं। इस तरीके से आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए इस एनिमेशन को ताकि एक दफ़ा इजीली आपको समझ आ जाए कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एटमाइजर के थ्रू इसके अंदर जो है वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है फेंके गए थे और इस हॉल के थ्रू ये इस चैम्बर के अंदर एंटर होते गए और चार्ज होते गए। चार्ज इस तरीके से हुए थे क्योंकि हम लोगों ने जो है एक्स्ट्रे सोर्स इस्तेमाल किया था जिसने गैस को आयनाइज कर दिया। तो इस तरीके से जब हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं क्योंकि वो उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर आके गिरते हैं, क्योंकि जो हमारे ड्रॉपलेट्स थे ये जैसे ही नीचे आए गैस आयनाइज हो चुकी थी, तो गैस का आयनाइज होने के बाद उनके ऊपर जो चार्जेस आ चुके थे पॉजिटिव और नेगेटिव वो इन ड्रॉपलेट्स लेने लिए, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है जिसे मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिटरमिन करके हम लोगों को जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें मालूम था कि यहाँ पर एक होल है, इस होल के थ्रू जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे थे, तो अगर जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रे सोर्स इस्तेमाल किया है जिसने इसे आयनाइज कर दिया, और इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे एक लाइट सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टेलीस्कोप को हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि हम इनकी मूवमेंट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकें। एक स्टेज, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे इन ड्रॉपलेट्स पे एक्ट करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके वेट के इक्वल हो जाती है, यानी कि इन ड्रॉपलेट्स पे जो वेट है एफजी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफई जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। आपको मालूम है कि जो एफजी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसी भी चीज़ को हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर मौजूद ऑयल ड्रॉपलेट्स को जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो एफ जी ने नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि ऑयल ड्रॉपलेट्स जब यहाँ पर आ चुके थे तो गैस आयोनाइज हो गई थी। गैस के आयोनाइज होने से यहाँ पर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आ गया होगा या कुछ भी पॉजिटिव चार्ज भी आ गया होगा। अगर मैं सिर्फ इस ड्रॉपलेट की बात करूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इस नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट को ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से एफ ई की डायरेक्शन अपवर्ड और एफ जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाती है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो अगर मैं ये कहूँ कि एफ जी इज इक्वल्स टू एफ ई हो गई है, तो हमें पता है कि एफ जी जो है वो वेट के इक्वल होती है, इसे मैं एम जी के इक्वल लिख सकती हूँ और एफ जी जो है एफ ई जो है हमारी वो इक्वल होती है क्यू इंटू ई के इक्वल होती है। अब एक और बात कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा पढ़ा था जब हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, तभी हमने बात की थी कि अगर दो चार्ज प्लेट के दरमियान कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E इज़ इक्वल्स टू V बाई डी है, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि हमारा जो V है
VED के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि बराबर है V बाई D की, और यहाँ पर Q आ जाएगा तो M इंटू G। तो इस तरीके से जो मैस है उसका भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है, क्यू वी डी बाई जी। इस तरह से मैस के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। इस तरीके से जो मैस है ये हमें ड्रॉपलेट का मैस मिल जाएगा। और अगर हमें उनके ऊपर चार्ज मालूम करना हो तो हम क्यू इज इक्वल्स टू डी एम जी बाई वी लगा लेंगे। वोल्टेज हमें पता है कि हम कितनी पावर दे रहे हैं। डी जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है या इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, और एम जो इन ड्रॉपलेट्स का मैस है, और जी ग्रेविटेशनल की वैल्यू। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इन चीज़ों की वैल्यूज पुट करके चार्ज के बारे में भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं, क्योंकि मैथ्स के लिए देखा जाए तो हमारे पास चार्ज का होना ज़रूरी है, लेकिन अभी तो हमें चार्ज मालूम नहीं है, तो हम किस तरीके से पहले मैथ्स को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, मैथ्स को डिटरमिन करने का एक और अच्छा तरीका है, हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी हमेशा मैथ्स ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, यानी कि मैथ्स ओवर वॉल्यूम, मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इस तरह तरीके से हमारे पास जो रो है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी उसके मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो तकरीबन स्फेयर की तरह ही है, तो हमें मालूम है कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में मैस को एज इट इज़ रहने दूँ और वॉल्यूम की जगह 4/3 πr³ पुट कर लूँ, तो इस जो एक्सप्रेशन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वॉल्यूम की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की है। अब अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पे रो के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ डेंसिटी के साथ, तो हमारी डेंसिटी जो है वो एज इट इज़ ही इसके साथ 4/3 πr³। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो मैथ्स के लिए भी जो है वो एक्सप्रेशन निकल आता है। तो हमारा मैथ्स का मसला तो सॉल्व हो गया, यानी कि मैथ्स की वैल्यू लगाने से मुझे चार्ज की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि अब मैं रेडियस कहाँ से लाऊँ। अब रेडियस का भी तो मालूम होना ज़रूरी है, रेडियस का मालूम होगा तभी तो मुझे मैथ्स का पता चलेगा, और मैथ्स का पता चलेगा तभी तो मैं ये चार्ज की वैल्यू निकाल पाऊँगी जो कि एम जी डी बाई वी है। यानी कि क्यू मालूम करने के लिए पहले मैंने मैथ्स को मालूम किया, अब मैथ्स मालूम करने के लिए मुझे रेडियस का मालूम होना ज़रूरी है। तो अब हम रेडियस को भी मालूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज आप दे रहे हैं, इसको जो पावर दे रहे हैं वोल्टेज, अगर आप इसको ऑफ़ कर दें, यहाँ से ख़त्म करके इसे थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दें, तो जो ड्रॉपलेट्स यहाँ से गिरते हैं वो इतनी तेज़ी से गिरना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करना शुरू कर देते हैं। और आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ या कोई भी अगर ड्रॉपलेट है वो गिर रहा हो और वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने जा रहा हो, तो उसका जो वेट है उसकी ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाता है। यानी कि इस ड्रॉपलेट का जो वेट है इसकी ड्रैग फोर्स के इक्वल है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एनिमेशन देखते हुए भी बात की थी कि इस मेथड में तीन तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरी विस्कस ड्रैग फोर्स। दो फोर्सेस की तो बात हो गई, अब तीसरी बात रह गई है ड्रैग फोर्स की, जो अब हम करने जा रहे हैं। और ये हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमें रेडियस को मालूम करना है, और रेडियस तभी मालूम किया जा सकता है जब हम इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ड्रॉपलेट जो है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है, तो इसका जो ड्रैग फोर्स है इसकी वेट के इक्वल आ जाएगी। वेट के बारे में हमें मालूम है कि जो डब्ल्यू है वो एम जी के इक्वल होता है, और ड्रैग फोर्स के बारे में भी हमें मालूम है कि ये 6π θ r V के इक्वल होता है, यानी कि ये इसका एक्सप्रेशन होता है वी टी, यहाँ पर वी टी आना चाहिए क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं मैथ्स की वैल्यू यहाँ पर लगा लेती हूँ, मैथ्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4/3 πr³ और 7 रो था, क्योंकि हम लोगों ने रो के साथ यानी कि डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे लिए मैथ्स का एक्सप्रेशन आ गया था। जी एज इट इज़ ही लिख देते हैं, और यहाँ पर 6π θ r V एज इट इज़। अब अगर देखा जाए तो मैं इसे क्यों ना थोड़ा सा रीअरेंज इस तरीके से कर लूँ कि यहाँ पर भी एक आर है तो यहाँ पर भी 3 r हैं, तो एक आर इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर अब आर स्क्वायर रह जाता है। आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर सेपरेट कर लूँ और बाकी सब चीज़ों को एक तरफ ले जाऊँ, यहाँ पर पाई भी है, पाई को भी कैंसिल कर देते हैं, और 3 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 और 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 रो जो है यहाँ पर जाकर
रो जो है हमारा ऊपर नहीं आएगा बल्कि नीचे आएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ के रो और जी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 18/4 हमारे पास आ जाएगा, 18/4 जी रो और जी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हीटा और वी टी हमारे पास ऊपर रह जाएंगे इस तरीके से। अब जब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 9/2 आ जाएगा, 9/2 हीटा वी टी ओवर रो इंटू जी, जो कि आर स्केयर के इक्वल है। अब अगर मुझे खाली आर मालूम करना हो तो मैं क्यों ना दोनों तरफ इसका स्केयर रूट ले लूँ। इस तरफ तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9/2 हीटा आर वी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा इस तरह से करके लिख लेते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 9/2 हीटा वी टी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। तो इस तरीके से हमारे पास आर भी फाइंड आउट हो जाता है, यानी कि अब हमारा मसला सॉल्व हो गया। हमें सबसे पहले क्यू फाइंड आउट करना था, लेकिन क्यू के लिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एम जी डी बाय वी निकला। अब एम को मालूम करने के लिए हम लोगों ने डेंसिटी का एक्सप्रेशन लगाया और हमारे पास जो है एम की वैल्यू निकल आई कि ये 4/3 रो पाई आर क्यूब आ गई। अब आर के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए थी, ताकि आर को पुट करते तो मैथ्स आता और मैथ्स को पुट करते तो चार्ज आ जाता। तो आर को हम लोगों ने इस तरीके से ड्रैग फोर्स इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर लिया। अब अगली बात ये रही कि जितने भी चार्ज जो भी हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स आते हैं नीचे गिरते थे, इस होल से गिर रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे इस आयोनाइज हुई हुई गैस में, तो जैसे ही वो इस आयोनाइज गैस के पास आते थे चार्ज हो जाते थे। तो बाद में जब हम लोगों को मिलिकन्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि हर ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है वो एन ई के इक्वल है, यानी कि हर ड्रॉपलेट पे चार्ज एन ई टाइम्स आ रहा है और ई जो है ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से उसने क्यू को डिटरमिन करने के बाद जो है क्यू की वैल्यू पुट की और एन चूँकि है वो एन जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 1, 2, 3 सो ऑन है, तो एन की वैल्यू लगाने के बाद और चार्ज जो भी हम लोगों ने इतना लंबा कैलकुलेशन की है उसके थ्रू हम लोगों ने चार्ज को डिटरमिन कर लिया। तो चार्ज और एन की वैल्यू लगा कर हमें ई की वैल्यू पता चल गई कि ई की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम चल गया कि ई की वैल्यू क्या है। तो मिलिकन्स ने बताया कि जो ई की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है कि ये ई की इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास चार्ज भी आ गया 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्स, जो कि हमें मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड इस्तेमाल करने से मिलिकन्स ने बताया। इसके अलावा ई बाई एम रेशियो भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीख ली और मास ऑफ ड्रॉपलेट्स हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट इस फार्मूले से निकाला है कि रो 4/3 पाई आर क्यूब के फार्मूले से, और रेडियस भी हम लोगों ने मालूम करना सीख लिया कि ये 9/2 हीटा वी टी डिवाइडेड बाय रो जी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल आई और इस तरह से ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद हमें चार्ज के लिए भी वैल्यू मिल गई और चार्ज की वैल्यू पुट करने से हम लोगों के पास जो ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा था जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम हम लोगों ने डिटरमिन कर लिया। तो इस तरीके से जो है वो मिलिकन्स ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। होप्स आपको काफ़ी हद तक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ आ चुका होगा। और हम लोगों ने ये सारे कैलकुलेशन इसलिए की ताकि हम इस क्यू तक पहुंच सकें, क्योंकि क्यू तक हम पहुंचेंगे तभी तो हम लोग एन ई के एक्सप्रेशन से जो है वो ई निकाल सकेंगे। क्योंकि मिलिकन्स ने कहा था कि हर जो चार्ज है उसने हर ड्रॉपलेट पे देखा कि वो जो चार्ज है वो एन टाइम ई आ रहा है, यानी कि एन तो आ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो चार्ज मेजर करता जा रहा था वो एक कॉन्स्टेंट नंबर के मल्टीपल के बराबर आ रहा था, और इस कांस्टेंट नंबर को उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है डिटरमिन कर लिया, इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए मालूम करना सीख लिया। तो ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड था।